कोई रोक ही नहीं सकता जब ये गाना बजता है। सर नमस्ते, सर नमस्ते। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर अजय अतुल जी। तीसरी बार लगातार इंडियन आइडल पर आकर आपने अपना हैट्रिक पूरा कर लिया है, तालियां। तो सर इस बार क्या अलग लग रहा है आप लोगों को? हर बार ही इंडियन आइडल में बहुत धमाकेदार टैलेंट आए हुए हैं, रति महारथी बहुत यहाँ पे सुने गए हैं, इस बार कुछ बहुत ज्यादा है। बहुत ही ब्रिलियंट है सारे लोग, बहुत ब्रिलियंट। हम लोग पिछले 3 सीजन से आ रहे हैं, पर इस बार का जो टैलेंट है बहुत हटके है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आइडल जिस तरह से बढ़ते जा रहा है, जिस तरह से उसमें टैलेंट नया नया इंट्रोड्यूस करते जा रहा है ना, वो काबिले तारीफ है और उसको देखने के लिए आज हम आए हैं। क्या बात है सर, यू गाइज रिप्रेजेंट म्यूजिक। असली अगर म्यूजिक दिख जाए कभी तो वो अजय अतुल के चेहरे में दिखेगा। वाह, आप लोगों के लिए मामूली चक्कर नहीं है कि अजय अतुल के सामने आप लोग गाने वाले। इट्स अ वेरी 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 बिग डील। म्यूजिक में अजय अतुल की जो कसौटी है, मतलब इससे बड़ा शायद कोई चैलेंज हो ही नहीं सकता। और आज का जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल होना ही पड़ेगा। Absolutely. You are set. Absolutely. अब हम लोग बोलते आ रहे हैं कि these guys are the best, they are the best. तो अभी the best के सामने the best गाएंगे, ऐसा है। क्या बात है? एक बार जोरदार तालियां हो जाए अजय अतुल जी के लिए।
अजय सर कैसा लगा? मुझे आज भी याद है हमने जब श्रेया से चिकनी चमेली गवाया था तब सबको एब्सोल्युटली मुझे ऐसे बहुत सारे फोन आए कि यार व्हाई यू श्रेया से क्यों गवाया, हाइपर एनर्जी गाना श्रेया को, हाउ यू थॉट, कितने लोगों को तो पता ही नहीं चला ये श्रेया थी, तो बाद में अभी पता चल रहा लोगों को. बट हमारा मानना है कि जो भी सिंगर अच्छा है वो कोई भी गाना अच्छा गा सकता है. एंड ये दोनों गाने तुमने, ये भी पहले वाला भी श्रेया ने गाया था, ये भी श्रेया ने गाया हुआ है, ये दोनों गाने तुमने बैक टू बैक गा के ये तो प्रूव कर लिया कि तुम अच्छी सिंगर हो. एंड स्पेशली मुझे चिकनी चमेली के अंतरे में आई लाइक योर टोन अ लॉट, सीरियसली आई लाइक द टोन. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तुम्हारी आवाज बहुत ही प्लेबैक सिंगर वाली है. मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ कि एक प्लेबैक सिंगर दूसरे प्लेबैक सिंगर के साथ कैसे गाएगा. क्या बात है. आई वुड रिक्वेस्ट अजय टू सिंग सैराट विथ यू. ओ वाओ. नल काळचा मंदी आणि हाता मंदी हात आलं जी सैराट झालं जी सैराट झालं जी सैराट झालं जी. जैसी थी ये जिंदगी
एक बंधन नया पीछे से अब मुझको बुलाए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए। एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहा था मेरा, अब है सामने इस छूलू जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियां चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, मर जाऊं या जी। केसरिया मारो बलवा पधारो मारी कंट्री मारे, आओ पधारो केसरिया मारो बलवा पधारो मारी कंट्री मारे, आओ पधारो से पहले कि बाढ़ आ जाए। यस नहीं। अजय सर कैसा लगा? अमेजिंग यार, एक सॉफ्ट और एक बहुत झिंगाट लेवल के गाने ऐसे गा रहे हो आप लोग। तो एक्चुअली ये जो कह रहे हैं अजय अतुल की कसौटी, ये आपके लिए है या हमारे लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। यही फिल्म का अग्निपथ फिल्म का एक और गाना है जो रूप जी ने गाया, ओ सैया। उसमें भी सांसों पे, उस पर भी बहुत सादगी भरा, उसमें भी आवाज़ की ज़रूरत है। तो मैं वो गाने की कुछ ट्यून तेरी आवाज़ में सुनना चाहता हूँ, अगर जी सर गा पाए। कुटला स्केल लगाना तू राजा, ओरिजिनल सी शार्प। नाराधुरी कहानी
Like that? Try. Meri adhuri kahani. Kya baat? Lo dasta ban gayi. Haan, ab aa raha hai. O tune chua jaise जिंदगी ने पहनी है मुस्कान करने लगी है इतना करम क्यों न जाने करवट लेने लगे है अरमान फिर भी है आखना क्यों न जाने ओ सैया ओ हम लोग ये सुनना चाहते थे हमारे सामने ये कैसे गाएगी क्या क्या गाएगी. विशाल अभी अभी हमारा थोड़ा नाम हुआ है अभी अभी हम लोग एस्टेब्लिश हुए हैं और जब ये टैलेंट देखते हैं ना ऐसा लगता है यार कम है और भी अपने को बहुत सुधरना है तो प्लीज आप देखिए. अभी हम जा रहे हैं अजय अतुल जी के स्टूडियो पर. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ. वहां पे जाके मुझे पता नहीं क्या होगा बट मैं थोड़ा नर्वस हूँ. अजय अतुल सर ने मुझे यहाँ पे बुलाया. हमने जब आपका गाना सुना हमें बहुत बहुत पसंद आया. यू हैव अमेजिंग टेक्सचर. तो कुछ सुना? हाँ जी. डार्लिंग जी सर. किलर आउटस्टैंडिंग. बहुत अच्छा लगता है कि इंडिया का म्यूजिकल फ्यूचर बहुत ब्राइट है. सीरियसली हमको तब सुना था तो ऐसा लगा था अच्छा ये शायद रिकॉर्डेड हो सकता है. यू नो कई बार लगता है ऐसा. ये अभी सामने गा रही फिर भी लग रहा अच्छा लाइव गा रही है. अरे सर नहीं नहीं वेरी नाइस वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. सी यू ऑन द शो. मैं बहुत एक्साइटेड थी उस टाइम पर अभी भी उतना ही एक्साइटेड हूँ. और मतलब इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू सो मच इंडियन आइडल एंड थैंक यू सो मच अजय अतुल सर. ये मतलब मेरा ड्रीम कम ट्रू वाली मोमेंट है. इट्स अमेजिंग. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. भूल गए हमसे हो जाए.
से ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। नशीले मस्त समा है आज, नशे में सारा जहां है। रात नशीले मस्त समा है आज, नशे में हॉर्न सेक्शन, ये क्या है? आप लोग सब पागल हो यार। अजय सर, अतुल सर अभी भी खड़े हैं। हम लोग जा रहे हैं शो से। अरे क्यों सर? नहीं सर, और इसको साथ में लेके जा रहे हैं। अरे नहीं, ये तो और गड़बड़ होगी सर। इसको गाड़ी में डालो। She just completed 18. और ये हौसला है और ये गायकी है। मतलब मैंने जो वहां पे बैठ के जो अभी कहा था ना, अभी आपको भी यकीन हो गया होगा। आप genuinely आगे जाके लाइफ में प्लीज प्लीज आप अपना म्यूजिक कंपोज कीजिए। मतलब व्हाट इज दिस लेवल ऑफ टैलेंट? इट्स माइंड ब्लास्टिंग, ब्लोइंग ही नहीं है, ये तो माइंड ब्लास्टिंग है। नन रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई। मैं तुम्हारे सिर पे हाथ रख के तुम्हें पॉजिटिविटी और दुआएं देना चाहती हूँ ताकि तुम वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड बनो। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता, जेन्युइनली मैं लेने आशीर्वाद लेने आ रहा हूँ। इट्स टू गुड। सर पे हाथ रख दीजिए, सर पे। अरे मैं पैर नहीं पड़ रहा, आप सर पे हाथ रखो। अरे रखो हाथ इधर। शर्मुख प्रिया, आपने मौसम बदल दिया। गजमुख गजा प्रथम पूजा महाकाय
धरती का कण का क्या बात है देवा श्री गणेश 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 जो मेरे दिल को दिल बनाती है
धड़क है ना सके बीच में कहीं तड़प है ना जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है ना सोना बन गई चर हुआ दुश्मन जहां शमशीर तेरी तन गई हाँ तू वली है तू मेहरबा है निगहबा है तू ही है फरिश्ते भी परस्तिश में तेरी कुर्बान वल्ला तू वली है तू मेहरबा है निगहबा है तू ही बन गया कानून जो भी तू लिखे परवान वल्ला नजारा जन्नतों का आज तेरे रूबरू है तेरा लख्ते जिगर साया है तेरा हूबहू है असद के आज उसके सर के सेरे के सभी है के तेरी सल्तनत के तख्त का वो जानशी है पुर नूर ये जलवा रहे पुर ताप हाँ हकता रहे तेरी जीत की रफ्तार से हर हार आहिस्ता रहे तेरी किस्मत खुद तेरे हाथों खिलौना बन गई चर हुआ दुश्मन जहाँ शमशीर तेरी तन गई तू वही है तू मेहरबा है निगहबा है तू ही है फरिश्ते भी परस्तिश में तेरी कुर्बान अल्लाह तू वली Thank you.
वार ग्वाड लागला ग चांद भासतो दिसाच मावळा या लागला आस लागली मनात कालवाया लागला पहली बार है जी पहली बार है जी इस कदर किसी की धुन सवार है जी जिसकी आंसू में हुई सुबह से दोपहर शाम को उसी का इंतजार है जी होश है जरा 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 खुमार है जी छेड़ के गया वो ऐसे दिल की तार है जी पहली बार है जी पहली बार है जी चाहता हूँ तेरा बनूं अपने फैसले पे मुझको एतबार है जी हो तू भी बोल दे कि तेरा क्या विचार है जी यार लग लग
लागल तुझा तयाड लागल ग फसयो सक एक कस्तुरीचा सकलया वार ग्वाड लागल ग इधर देख रही थी हमारे सारे कंटेस्टेंट्स सर आप दोनों तो खैर उनको सुनने में नचिकेत को सुनने में यू नो मगन थे ये सब लोग आपकी तरफ ऐसे ऐसे कर रहे ये सब कर रहे थे ये लोग दीवाने हुए पड़े सारे For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.